ल्यूमन सॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिस्टम को अपनी बिजनेस ज़रूरियात के मुताबिक कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। सिस्टम में ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जिन्हें हम अपनी इंफरादी बिजनेस ज़रूरियात के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट बारकोड टैब की कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं। इस टैब की मदद से हम बारकोड शीट पर प्रिंट होने वाले बारकोड्स की सेटिंग करते हैं। सिस्टम दो किस्म की बारकोड प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है, बारकोड प्रिंटिंग थ्रू लेज़र प्रिंटर और बारकोड प्रिंटिंग थ्रू बारकोड प्रिंटर। इस टैब पर हमारे पास नीचे ग्रिड में ये मुख्तलिफ बारकोड टेम्पलेट्स हैं कि हम बारकोड्स को किस किस फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। ये बारकोड टेम्पलेट्स का सीरियल नंबर है और ये बारकोड टेम्पलेट नेम है। उसके बाद ये टेम्पलेट्स का एक्टिव स्टेटस है। इन चेक बॉक्सेस में से किसी चेक बॉक्स के चेक होने का मतलब ये है कि इस वक्त ये टेम्पलेट सेट है और हमारे बारकोड्स इस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहे हैं। उसके बाद ये लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन्स डिटेल्स हैं कि किस टेम्पलेट के लिए क्या क्या मार्जिन्स सेट हैं। उसके बाद ये मैक्सिमम प्रोडक्ट कोड लेंथ इंफॉर्मेशन है। इस नंबर का मतलब ये है कि अगर हम इस फॉर्मेट में बारकोड्स प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट कोड की लेंथ इस नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट कोड की लेंथ इस नंबर से ज़्यादा होगी तो सिस्टम बारकोड्स प्रिंट नहीं करेगा। हम ग्रिड में जो भी बारकोड टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे उस टेम्पलेट का डाटा टॉप पर अपीयर हो जाएगा। हमें एक बारकोड टेम्पलेट लाजमी सेलेक्ट करना होता है जो कि बारकोड प्रिंट करते वक्त बारकोड प्रिंटिंग स्क्रीन पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। ऊपर अपीयर होने वाले डाटा में सबसे पहले ये बारकोड इमेज है जो कि प्रिंट होने वाले बारकोड का लेआउट एक्सप्लेन करता है कि जो बारकोड प्रिंट होगा उसका लेआउट कैसा होगा। उसके बाद ये सेट एक्टिव का चेक बॉक्स है। इन टेम्पलेट में से किसी टेम्पलेट को एक्टिव करना होगा तो उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के बाद हम इस सेट एक्टिव के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो ये बारकोड टेम्पलेट बारकोड्स प्रिंटिंग फॉर्मेट के लिए सेट हो जाएगा। उसके बाद ये लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन के टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अगर हमने प्रिंट होने वाले बारकोड्स के लेफ्ट मार्जिन या टॉप मार्जिन को बारकोड शीट के मुताबिक कम या ज़्यादा करना होगा तो हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के प्रोडक्ट टैब के इस लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन को चेंज करेंगे और इसे इस अपडेट के बटन की मदद से अपडेट कर देंगे तो किए हुए चेंजेस सेव हो जाएंगे। इस तरह हम इन मार्जिन्स को बारकोड शीट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। याद रहे कि ये मार्जिन्स उस वक्त असरअंदाज होते हैं जब हम बारकोड्स को डायरेक्ट प्रिंट करें, यानी हम बारकोड्स का प्रिंट प्रीव्यू ना देखें। अगर हम बारकोड्स का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो सेट किए हुए मार्जिन्स इफेक्टिव नहीं होंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बारकोड्स की सेटिंग करना सिखाया गया। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।